मैं एक चैलेंज दूंगी, एक चैलेंज दूंगी। अभी मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा चैलेंज है। और नमू ने बोला है कि ये मदर्स डे वाला चैलेंज है, मतलब ये तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कुछ भी करके ये चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, नमू ने मेरे को बोला है कि वो दोपहर को 12 बजे 12 मिनट पे मेरे को बताएगी। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल निशांत त्रिवेदी ब्लॉग्स। एंड आज है मदर्स डे, सो सबसे पहले अपने जो मम्मी हैं उनको कॉल करेंगे। तो लेट्स जस्ट कॉल, व्हाट्सएप कॉल करते हैं। मम्मी मम्मी जी को कॉल लगा दिया है। देखते हैं फोन उठाते कि नहीं है। अपनी मम्मी जो है वो सुबह। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ हैप्पी मदर्स डे। मतलब हिंदी हिंदी में बात कर मम्मी, हिंदी में बात कर, हिंदी में बात करो। हिंदी में? हाँ हिंदी में बोलो। आप कैमरे के अंदर हो, आप आपका आवाज आ रहा है कैमरे के अंदर, तो आप हिंदी में बताओ। हिंदी में बताओ? हाँ, कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भाई, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, बस। नहीं ये तो आप सब लोगों ने सुना होगा। हाँ मम्मी, मैं कॉल करता हूँ एक बार रिकॉर्डिंग करने के बाद, है ना? तो मम्मी मम्मी अभी फिर एक बार चालू पड़ जाते, फिर मतलब एक आध घंटा कॉल चलता है हमारा। बट मम्मी ने जैसे बताया वैसे, मतलब अभी तो आप आपके पास आप जो भी गिफ्ट दे सको वो है, लेकिन यू नो उनको मतलब हमेशा साथ रखो, वही जो चीज़ है वो हर एक हमारे मम्मी और पापा जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? तो चलो अभी अपने तो कहने के मम्मी को फ़ोन करते हैं। तो पापा से पहले बात करेंगे, फिर मम्मी तो तेरा फोन लेते। मम्मी मम्मी को फोन, नमू के फोन में से मम्मी को फोन करते हैं। तो तीस सेकंड के हेलो। हाँ मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हाँ, तो अभी अभी हमने आपको फोन इसलिए किया है पूछने के लिए कि हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आपको मदर्स डे पे कौन सी गिफ्ट चाहिए? कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपका फोन क्यों आ गया? ना ना, क्या गिफ्ट करूं, तो सारे तो फोन पे आ रही गिफ्ट हो गया। ठीक छे ठीक छे। हां हां हां, करो पची फोन। हां हां, तो दो दोनों मम्मी को फोन हमने कर दिया है। और बाय द वे, हम उनको भेजने वाले हैं स्वीट्स, तो वो हम भेजेंगे और फिर हमारे डे की जो शुरुआत है
वो करते हैं। अभी आज सुबह से मेरे को नमू ने जो है वो बहुत डरा के रखा है, मतलब बोल रही है कि मैं एक चैलेंज दूंगी, एक चैलेंज दूंगी। अभी मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा चैलेंज है, और नमू ने बोला है कि ये मदर्स डे वाला चैलेंज है, मतलब ये तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कुछ भी करके ये चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, नमू ने मेरे को बोला है कि वो दोपहर को 12 बजे 12 मिनट पे मेरे को बताएगी कि क्या क्या है। और अभी जो टाइम हुआ है वो है 10 o'clock, तो लेट्स स्टार्ट डे, और मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों, हमारे 680 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और ओनली 20 रिमेनिंग है 700 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में, और सिर्फ 320 सब्सक्राइबर्स रिमेनिंग है हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में। सो जल्दी से जल्दी अभी इस सब्सक्राइबर्स का जो चीज़ है उसको कंप्लीट करते हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी के अभी जाओ और अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपके लिए जो आपके थॉट्स के हिसाब से और आपके रिव्यू के हिसाब से हम जो कंटेंट है वो कंटिन्यूसली बनाने वाले हैं, कंटिन्यूसली हम कंटेंट बना रहे हैं, काइंड ऑफ यू नो डेली व्लॉग्स हो रहा है। सो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ निशु के लिए फाफड़ा, और ये आज उसका लास्ट अनहेल्थी स्नैक्स होगा, और आज उसको 12 बज के 12 मिनट में उसको एक चैलेंज देने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि वो चैलेंज पूरा करता है, कैसे करता है, हाउ मैनेज। पर आप देखिए, मैं अभी फाफड़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और आई होप कि ये फाफड़ा लास्ट जो बना रही हूँ अच्छा बने और विशु को पसंद भी आए, और बस इतना सा ही। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी देख रहे हो आप, ये आटा बन गया है, बस अभी मैं फाफड़ा बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे फाफड़ा बनाया, और आप बताना। बस इसका जो ये डो होता है उसको थोड़ा रोटी और पराठे जैसा आटा नहीं बनना है, ढीला ही बनना है, और तुरंत उसको बना भी देना है, उसको तो रखना नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे हो मैंने पापड़ भी डाला है, और मैंने गैस कम बंद कर दिया था क्योंकि उनको दिल इतना गर्म नहीं चाहिए, वरना फाफड़ा का रंग खराब हो जाएगा। तो उसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे आराम से, जैसे ही बुलबुले आते हैं तो उसको दूसरी साइड पे पलट देंगे, और फिर हम उसको ऐसे ही पलटते पलटते थोड़ा सा पक जाएगा तो उसको निकाल लेंगे। लास्ट ईयर था तब मैंने ये सीखा था, और हम बहुत बनाते थे, और अभी इस बार मैंने सोचा कि अभी लास्ट स्नैक्स है जो निशु का फेवरेट ही होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं यही बना देती हूँ। और दोस्तों, आप देख रहे हो ये फाफड़ा बन रहा है, और एकदम अच्छे से बन भी गया है, और बस अभी प्लेट में निकालूँगी। तो अभी हमारे पास है गर्मा गर्म फाफड़ा जो नमू ने बनाया है। अगर आप गुजराती फैमिली में से हो और संडे है तो फाफड़ा तो मस्त है, और फाफड़ा के साथ डिलीशियस जो चटनी है वो बनाई हुई है। मेरे मुंह में से ऑलरेडी पानी आ रहा है, तो सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं, और टाइम देखते हैं क्योंकि 12 बजे 12 मिनट को नमो चैलेंज देने वाली है। सो देख लेंगे, कुछ भी चैलेंज देगी तो अपने कर लेंगे यार, इसमें क्या।
तो अभी यहाँ पे जो नाश्ता है वो मैंने एकदम फिनिश कर दिया है। और नमो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आज का टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए। और आई होप तूने सबको बताया भी होगा कि कैसे नाश्ता बनाया है पूरा। नमो अभी मेरे को बताया तू कि चैलेंज क्या है, मतलब क्या चैलेंज तुम मेरे को देना चाहते है। मुझे चैलेंज देती हूँ कि तुझे अब से रोज हेल्दी खाना खाना है, कोई भी तला हुआ ये वो नहीं खाना। इसलिए मैंने लास्ट वाला जो नाश्ता था तेरा फेवरेट फाफड़ा बनाया। रोज एक्सरसाइज करनी है 1 महीने तक, 1 महीने के बाद देखते हैं क्या चेंजेस होता है। मतलब कि तुझे मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। अभी देखो ये टफ तो है क्योंकि मतलब मेरा फेवरेट जो फूड है वो सब स्ट्रीट फूड काइंड ऑफ है, तो मेरे लिए बहुत टफ है। लेकिन लेट्स स्टार्ट दिस चैलेंज। दोस्तों मैं ये जो चैलेंज है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और आप लोग अभी देखना, अभी मेरे अपनी लाइफ के अंदर अभी बहुत सारा जो हेल्दी चीज़ है वो आने वाली है, बहुत सारी एक्सरसाइज आने वाली है। तो यू नो आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, तो जिसकी वजह से फिर क्या है कि अभी अभी थोड़ा फोकस उस पर भी किया जाएगा और थोड़ा अभी जिमिंग विमिंग भी शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों क्या आपको क्या लगता है कि क्या मैं ये जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि नहीं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और दूसरी चीज़ के इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाकी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिए और जो मैंने आपको बोला है सब्सक्राइब जरूर करना। और बस ख़त्म करते हैं, बाय।